सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं SS1 के बारे में, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, जो कि डील करता है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बेसिकली आया क्यों, सबसे पहला तो ये सवाल होता है। तो एंड ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ओके, सो सबसे पहला चीज़ जो है बोर्ड, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, मीन्स क्या इसको कंप्लाई करना ज़रूरी है, क्या इसको बिना कंप्लाई के काम चल सकता है। तो एक सेक्शन है, सेक्शन 118 सब सेक्शन 10, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर बोर्ड मीटिंग एंड फॉर जनरल मीटिंग SS को कंप्लाई करना इज मैंडेटरी, मीन्स SS1 एंड SS2 इज मैंडेटरी। मतलब SS1 इज फॉर द बोर्ड मीटिंग एंड SS2 इज फॉर द जनरल मीटिंग। सो SS1 एंड SS2 इज कम्प्लीटली मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है हर कंपनी को कंप्लाई करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना कंप्लाई के काम नहीं चलेगा। तो इस जब इम्पॉर्टेंट है तो भाई एग्जाम में भी आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं जाते, सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 जो मैंने अभी बोला था, हाईलाइट कर देता हूँ। सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि इसको कंप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ये आया क्यों, मीन्स अलग अलग एक्ट के अंदर सारी बातें नहीं लिखी गई है, राइट। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, लाइक नोटिस को अपने वेबसाइट पर डालना है लेकिन वापस उसको हटाना वहाँ से कब है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये बातें एक्ट के अंदर लिखी नहीं गई हैं। तो इनको आखिर कैसे कंप्लीट किया जाए, ये आखिर फिनिश कैसे हो, तो इस चीज़ के लिए आता है हमारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ताकि पूरे के पूरे जो एक्ट है, लो जो भी जितने कॉरपोरेट सोसाइटी कॉरपोरेट वर्ल्ड है, सब लोग एक ही तरीके का जो तरीका है वो फॉलो करें। नहीं दिख रहा ना, 87 कर देता है, थोड़ा और छोटा करो, 86, अब ठीक है। हाँ ओके, सो क्या हो रहा है, सब लोग एक ही तरीके का एक ही प्रैक्टिस को पूरे इंडिया में फॉलो करवाया जाए, यही मेन इंटेंशन हमारा था SS को लेकर। ओके, SS को लेकर इकलौता यही हमारा बहुत सबसे बड़ा इंटेंशन ये था कि पूरे इंडिया में एक ही तरीका हो, एक कंट्री है तो एक ही एक्ट होना चाहिए, सब लोग एक तरीके का फॉलो करें, एक ही तरीका हर कोई कंप्लाई करना चाहिए। ओके, नाउ इस टॉपिक के अंदर हमारा बहुत सारा पॉइंट आता है, लाइक टोटल 9 पॉइंट आते हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोग 8 पॉइंट आज आराम से क्लियर डिस्कस करने वाले हैं। कन्वर्ज कहाँ चला गया, ये अटक क्यों गया, अच्छा चल रहा है, कन्विनिंग अ मीटिंग, ठीक है ठीक है, कन्विनिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग को कैसे कन्वीन करेंगे, मीटिंग को बुलाता कौन है, मीटिंग का मतलब यहाँ पे आज हम लोग जो बात करेंगे बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करेंगे, जनरल मीटिंग के बारे में बात आज हम लोग नहीं करने वाले, जब SS2 के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एक बात बता दूँ, SS1 का मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ था, बट उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन को मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था और ट्राई किया था कि ताकि समझा भी सकूँ, समझाने की कोशिश किया था। उस SS1 इस वाले से काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उसमें मैंने पूरे पूरे SS1 को एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है, नॉट अ सिंगल वर्ड। सो उस वाले वीडियो को देखना ज़्यादा बेटर होगा, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैं नहीं दिखूंगा, सिर्फ वर्ड्स दिखने वाले हैं। ओके, तो अथॉरिटी, कौन बोर्ड मीटिंग बुला सकता है। एक साल था, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था, उस वक्त क्वेश्चन आ गया था क्या CS के पास पावर है वो बोर्ड मीटिंग करवा सकता है। तो कुछ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि हाँ CS बुलाता तो है मीटिंग, हाँ लेकिन बुलाता है वो अपने मन से नहीं बुला सकता है मीटिंग को, डायरेक्टर जब बोलेगा तब मीटिंग बुलाएगा, ये बात लोग नहीं याद रख पाए थे। कोई भी डायरेक्टर, वर्ड मिला आपको एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सिर्फ डायरेक्टर के पास ही पावर है कि वो बोर्ड मीटिंग बुलवाएगा। और तो CS क्या करता है सर, कंपनी सेक्रेटरी, देखो भैया क्या करता है, जो भी CS रहता है वो बोर्ड के बिहाफ में, कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे, कंपनी सेक्रेटरी वो क्या करता है, बोर्ड के बिहाफ में मीटिंग को क्रिएट करवाता है, मीटिंग को जो भी बुलाने का जो प्रोसीजर वो सब फॉलो करता है, कल से कंसल्ट करेगा चेयरमैन से, अगर चेयरमैन नहीं है तो MD से, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD से कंसल्ट कर लेगा, MD से भी कंसल्ट करने के बाद, अगर MD भी नहीं है तो भाई होल टाइम डायरेक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। तो बेसिकली इन लोग से कंसल्ट करने के बाद हम लोग बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं। तो बोर्ड मीटिंग कौन बुला सकता है, CS बुला सकता है, नहीं, कौन बुलाएगा, कभी भी बोर्ड मीटिंग बुलाएगा तो वो होगा डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। तो
तो किसको बोलेगा वो डायरेक्टर जाके, हमको बोर्ड मीटिंग बुलाना है, सीएस को बोलेगा। सीएस क्या करेगा, वो बात पहुंचा, वो एक बार चेयरमैन से कंसल्ट कर सकता है, अगर चेयरमैन नहीं है तो एमडी के पास जाएंगे, एमडी भी नहीं है सर तो भाई चले जाओ ना उसके ये जो भी किसी भी होल टाइम डायरेक्टर तो होगा उससे कंसल्ट कर लो, और अगर वो भी नहीं है तो जो बोल दिया वो हो गया, मतलब कंपनी में कोई नहीं है फिर तो। बाकी जो स्मॉल शेड्यूल डायरेक्टर होंगे, जो भी बाकी छोटे मोटे जो डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्हीं का कहना मानना पड़ेगा। द चेयरमैन मे अनलेस डिसेंटेड और ऑब्जेक्टेड बाई द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट अ मीटिंग विद द एट विच द कोरम इज प्रेजेंट एडजर्न मीटिंग फॉर एनी रीजन। चेयरमैन जब भी चाहे और कोई भी रीजन से वो मीटिंग को एडजॉर्न कर सकता है, ये चेयरमैन के पास पावर है। या फिर अगर मेजोरिटी बोल दे कि भैया एडजॉर्न कर दो मीटिंग, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो एडजॉर्न कर दे, वो हटा देना ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले, ये तो अथॉरिटी था, कौन मीटिंग को बुला सकता है, यहाँ तक क्लियर है। देख नेक्स्ट, डेट टाइम प्लेस मोड एंड सीरियल नंबर ऑफ मीटिंग। कोई भी मीटिंग होगा ना, उस मीटिंग के ऊपर एक सीरियल नंबर जरूर चिपकेगा, ये साल का कौन सा मीटिंग है। मीटिंग का प्रोसेस भी एसएस डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपको नोटिस, किस तरीके से नंबर लिखना है ना, वो भी बताया गया है ठीक है। वो हमारे इस वाले वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा। तो बोला क्या गया है, एवरी मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर होना चाहिए ये 2020/42, मतलब एक नंबर होना चाहिए कि ये वाला नंबर हमारा मीटिंग है। अ मीटिंग में बी कन्वीट एट एनी टाइम एनी प्लेस और एनी डे। सबसे पहली बात, जनरल मीटिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था उस वक्त हम लोगों ने ये जाना था कि नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं कर सकता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग कर सकता है, कोई भी टाइम पे कर सकता है राइट। यहाँ पे बोला गया एट एनी टाइम एनी प्लेस, मतलब प्लेस कोई भी हो सकता है, वेदर इन इंडिया और इन अब्रॉड, चाहे आप कहीं भी मन करे बोर्ड मीटिंग कहीं भी कर सकते हो ओके। एनी डे कोई भी दिन, जो भी दिन मन करे उस दिन कर लो, एसएस नहीं मना करेगा ठीक है। एनी डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर अगर चाहे तो वो पार्टिसिपेट हो सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आजकल अलाउ हो चुके हैं, अलाउ हो सकता है इन द मीटिंग ठीक है। यहाँ तक हो गया नोटिस, तो बिना देखे बता देना, अब तो इतना पता चल ही गया होगा, अच्छा होता ना हाईलाइट कहाँ चला गया, कंट्रोल एच हो गया, क्या बिगड़ते रहता है ये सब। एक सेकंड प्लीज वेट। ठीक है, नोटिस हाइलाइटर, नोटिस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप ये जो नोटिस है, बेसिकली डेट तो पता होगा कितने दिन पहले बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाता है 7 डेज, बिल्कुल सही जवाब, 7 डेज का नोटिस देना मैंडेटरी है। 7 दिन का नोटिस देंगे उसके बाद ही आप बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। भाई अगर शॉर्टर नोटिस पे काम हो गया तो अचानक से हमको नोटिस, अचानक से एक नया काम आ गया, हमको अचानक से मीटिंग कंडक्ट करना है, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन है। अगर शॉर्टर नोटिस पे करना है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, याद आया, गुड। देखते हैं अब इसमें क्या क्या लिखा है। नोटिस रिटन ऑफ नोटिस एंड रिटन टू एवरी मेंबर, सॉरी एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, जो भी मीटिंग का है, क्यों अटक रहा है, हर मीटिंग का जो भी नोटिस होगा वो एवरी डायरेक्टर बोला गया, मतलब जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेगा उसको भी, जो नहीं कर रहा है उसको भी, जो छुट्टी पे है हॉलीडे मना रहा है उसको भी जाएगा नोटिस ठीक है। डायरेक्टर मीन्स चाहे वो स्मॉल हो, इंडिपेंडेंट हो, या फिर कोई भी डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी डायरेक्टर, जाएगा सबके पास ठीक है। वेदर अल्टरनेटिव डायरेक्टर या फिर मेन डायरेक्टर है, दोनों के पास जाएगा। तो एवरी डायरेक्टर मतलब सब डायरेक्टर के पास जाएगा। कैसे जाएगा सर, हैंड से जाएगा, हाथ से दे देंगे, ये लो भैया आपका चिट्ठी आ गया। स्पीड पोस्ट से दे सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं। तो बेसिकली ये सर्विस अवेलेबल है, कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है, नोटिस आप कुरियर नहीं कर सकते हैं, क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। एसएस में बोला गया है कुरियर अलाउड नहीं है, मतलब नहीं है, बात खत्म। नेक्स्ट, नोटिस शैल बी इशू बाई द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। बेसिकली ये पॉइंट हर जगह आएगा कि नोटिस कौन इशू करेगा, फिर जो सीएस का पावर है वो कौन यूज करेगा करेगा इसको बता दो, सीएस का जो भी पावर है मतलब वो कौन एक्सरसाइज करेगा, बेसिकली सीएस करेगा, बट अगर वो नहीं है तो कौन करेगा, तो उसके बिहाफ में जिसको भी बोर्ड बैठाया है वो काम करेगा। यहाँ तक हो गया। नोटिस में सीरियल नंबर होना चाहिए,
डे होना चाहिए, कौन से डे करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डे है, डेट बताएंगे इस डेट को, टाइम बताएंगे कितने बजे से कितने बजे तक, एड्रेस देंगे, ओके सारा डिटेल यहाँ तक हम लोग दे देंगे। द नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल। नोटिस में ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड हमारे पास अवेलेबल है, जो डायरेक्टर पसंद करे इलेक्ट्रॉनिक मोड का वो कृपया हमारे से कॉन्टैक्ट करे, हमसे मतलब सीएस या फिर चेयरमैन से कॉन्टैक्ट करे। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन एवरी इवन इफ द मीटिंग इज हेल्ड ऑन प्री डिटरमाइंड डेट। बेसिकली होता क्या आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में, मीटिंग्स जो है ना पहले से प्री डिटरमाइन कर दी जाती है कि पहली मीटिंग हम लोग जनवरी में कर रहे हैं, एक मार्च में करनी ही है, एक मई में करेंगे, एक जून में करेंगे, एक जुलाई में करेंगे, ऐसे एक कुछ कई बहुत सारी मीटिंग डेट पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि बाद में कंप्लायंस वगैरह का या फिर प्रॉब्लम हो नहीं, क्रिएट ना हो। तो इस टाइम में क्या होगा, अगर हम लोग पहले से डिसाइड कर लिए कि अगले महीने के 26 तारीख को ही मीटिंग करनी है, तो क्या उस टाइम में नोटिस नहीं देंगे तो काम चलेगा? एसएस बोलता है नहीं, अगर पहले से भी डिटरमाइन है, प्री डिटरमाइन है, फिर भी आपको नोटिस तो देना पड़ेगा। ओके एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस जाना चाहिए, मैंडेटरी है। ओके एजेंडा एंड नोट ऑन एजेंडा, एजेंडा हमेशा नोटिस के साथ चिपक के जाता है, 7 डेज पहले एजेंडा भी जाना चाहिए ताकि लोग सोच सके एजेंडा में होता क्या है। बेसिकली एजेंडा हमेशा यही बताता है कि मीटिंग में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारा टारगेट है मीटिंग में करने का, वो टारगेट वगैरह लिखा रहेगा, उसी टारगेट को अचीव करना होगा, मतलब वो सब कुछ हमको अपना रेजोल्यूशन पास करना होगा, जो भी अपॉइंटमेंट है, कोई भी कुछ रेजोल्यूशन पास करना है, वो सब एजेंडा में लिखा रहेगा कि हमको मीटिंग में क्या क्या काम करना है, तो वो एजेंडा भी बेसिकली इसके साथ जाएगा। ओके वो वाला कॉपी देना। ये गिरेगा नहीं ना, ठीक है, कहाँ गया हाईलाइटर। ईच हर एक चीज के ऊपर ना सीरियल, हर एक एजेंडा में भी सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर वाइज आपको काम करना है, जो तो जहां तहां से जब मन किया उठा के नहीं भर सकते हैं। क्यों जम कर जा रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है कभी ना कभी, मतलब ये टाइमिंग ही गड़बड़ है। एक सेकंड प्लीज वेट, मैं कुछ करता हूँ, इसको हटा दो तो। हाँ हटा दो, देखो गिर ना जाए, इतना काफी है। ठीक है नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर इज मैंडेटरी। मेरे पास एक शॉर्ट नोट है, फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। इस पीडीएफ में यूज नहीं कर पा रहा फ्लो चार्ट, क्योंकि बहुत ही मतलब अजीब बना हुआ है, काफी गंदा दिखेगा, साफ साफ दिख नहीं रहा है वो फ्लो चार्ट, इसलिए यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही शॉर्ट करके लिखने की कोशिश किया हूँ, बट फिर भी काफी बड़ा हो गया है, 4-5 पेज का तो ही गया है। कोई भी मैटर है जो एजेंडा में नहीं लिखा है तो क्या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन से पूछेंगे दो चीज़ें, परमिशन ऑफ चेयरमैन, पहले तो चेयरमैन का परमिशन लेंगे, दूसरा क्या है कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि बीच में एंड है, कंसेंट लेंगे चेयरमैन का और मेजॉरिटी लोग का अप्रूवल, उनका कंसेंट भी होना चाहिए और परमिशन भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, ये हमने एक्ट में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ेंगे, सेक्शन 173 में लिखा हुआ है साफ साफ कि एक ठो मीटिंग सॉरी 4 ठो मीटिंग करना होगा। पहला मीटिंग 30 दिन के अंदर करना होता है इनकॉर्पोरेशन से, और 1 साल के अंदर 4 ठो मीटिंग करना होता है, 1 साल मतलब यहाँ पे कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है, ठीक से देखिएगा, कैलेंडर ईयर दिखेगा। ओके कैलेंडर ईयर होता है, एंड जो एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग का गैप है वो 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। आज मीटिंग हो गया, आज से 120 दिन के अंदर ही हमको एक मीटिंग कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। एक्चुअली बेसिकली ये बनाया इसलिए गया ताकि लोग जो भी डायरेक्टर है वो मिले, मतलब मिले तो सही, कम से कम पता चला डायरेक्टर मिलते ही नहीं है, आपस में ही झगड़ा चल रहा है उनका। ठीक है मीटिंग ऑफ कमिटी, कमिटी की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए, सवाल ये उठता है फिर। कमिटी शैल मीट एज ऑफन एज नेसेसरी, कमिटी को जब भी ठीक लगे वो तब मिल सकती है, जब उनका मन करे।
सब्जेक्ट टू द मिनिमम नंबर फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब बाई लॉ, अगर कोई लॉ प्रिस्क्राइब करता है तो वो फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अथॉरिटी भी कोई प्रिस्क्राइब करती है तो उसको कंप्लाई करना होगा। बट अगर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो बोर्ड अगर डिसाइड कर दे कि हमारे यहाँ पे कमेटी को एक साल में 3 मीटिंग करनी होगी तो वो कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, साल में उनको एटलीस्ट एक मीटिंग तो होल्ड करना ही पड़ता है इन अ कैलेंडर ईयर, याद आया। कोरम क्या होता है? बेसिकली कोरम का मतलब होता है मीटिंग के अंदर कितने लोग होने चाहिए तब मीटिंग वैलिड होगी, राइट। कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, कोरम स्टार्टिंग में देखने से नहीं चलेगा, कोरम पूरे मीटिंग में होना चाहिए। स्टार्टिंग हुआ 4 बजे से, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मीटिंग चलाए तो 4 से 6 बजे तक कोरम होना चाहिए, ओके। कोरम कितना होना चाहिए सर? कोरम याद कीजिए, कोरम का सेक्शन कितना बोलता है? 1/3, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कोरम होता है, जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी होना चाहिए, 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर, ओके। कोरम शुड बी प्रेजेंट सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं बल्कि ट्रांजिट, जब बिजनेस ट्रांजिट करे तभी भी कोरम होना चाहिए। डायरेक्टर शैल, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसको परमिशन नहीं देंगे कि वो बिजनेस में उस मीटिंग में, मतलब उस टॉपिक के ऊपर पार्टिसिपेट कर सके। एंड एक बात बोला गया है यहाँ पे साफ साफ कि अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो भैया डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट बता के वोटिंग कर सकता है, उसको परमिशन दे दिया गया है, रिलैक्सेशन अलाउ किया गया है। यहाँ तक हो गया। मीटिंग ऑफ कमिटी इट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाई द बोर्ड, देन ऑल द मेंबर विल बी कोरम। कमिटी के मीटिंग के लिए साफ साफ यहाँ पे बोला गया है अनलेस अदरवाइज स्टेपलेटेड बाई एक्ट, अगर कुछ एक्ट बोल देता है तो वो अलग बात है, आर्टिकल बोलता है तो भैया वो मानेंगे, और अंडर एनी लॉ या फिर कोई लॉ अगर बोल देता है तो उसको मानेंगे। कोरम फॉर मीटिंग ऑफ एनी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाई द बोर्ड शैल बी एज स्पेसिफाइड बाई द बोर्ड। कोरम जो कमिटी मीटिंग होगा उसका कोरम कितना होगा वो बोर्ड ही डिसाइड करके बताएगा, लेकिन अगर बोर्ड कुछ नहीं बोलता है, इफ नो सच कोरम स्पेसिफाइड, अगर ऐसा कोई भी कोरम स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो क्या बोला है, बाई द बोर्ड शैल बी सॉरी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ सच कमिटी इज नेसेसरी फॉर द कोरम, तो उस कमिटी के जितने मेंबर है सबको प्रेजेंट होना होगा उस मीटिंग में, तभी जाके वो एक्सेप्ट होंगे, तभी जाके वो मीटिंग अप्रूवल होगा, मतलब कोरम काउंट किया जाएगा फॉर कमिटी। अटेंडेंस ऑफ मीटिंग, पता ना हर एक मीटिंग में अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसके अंदर हाजिरी देना पड़ता है, मतलब अटेंडेंस देना पड़ता है कि कौन कौन डायरेक्टर प्रेजेंट था, तो यहाँ पे भी बोर्ड मीटिंग में भी हर बोर्ड मीटिंग का एक अटेंडेंस रजिस्टर होना मैंडेटरी है, ओके। तो रजिस्टर में होना क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट हुए हैं, कौन से डायरेक्टर आए हैं, कौन से डायरेक्टर नहीं आए, ये सब लिखा होना चाहिए। सीरियल नंबर ऑफ मीटिंग, कौन सी नंबर मीटिंग है ये, डेट होना चाहिए इसके अंदर, प्लेस होना चाहिए डे, वही चीज़। साइन बाई ऑल द डायरेक्टर इन प्रेजेंट इन द मीटिंग, जितने भी डायरेक्टर हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए। एंड इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब आज तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर हम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं तो हमको साइन कैसे करेंगे रजिस्टर को, उस सिचुएशन में बोला गया है कि डीम्ड टू बी मान लिया जाएगा कि आपने उसको साइन कर दिया है, यही कहीं लिखा था। डीम्ड टू हैव बीन साइंड, ठीक है, इस केस में मान लिया जाएगा कि आपने साइन कर दिया है, ओके। एंड द अटेंडेंस शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ रखेंगे इसको, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे या फिर जहाँ भी बोर्ड अप्रूव कर दे वहाँ रख सकते हैं हम लोग। द अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर आज के डेट में रिजाइन कर दिया, मतलब आज 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 में वो डायरेक्टर है, 2021 में उसने रिजाइन कर दिया, 2022 में उसको ना एक रजिस्टर चाहिए, मतलब आज के मीटिंग में कौन कौन आया था उसको ये वाला रजिस्टर चाहिए, तो क्या वो मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। जिस टाइम में वो डायरेक्टर था ही शैल बी एंटाइटल टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ अ मीटिंग ड्यूरिंग हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप, जिस समय वो डायरेक्टर था उस समय का रजिस्टर सिर्फ वो मांग सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार डायरेक्टर बन गया अब जिंदगी भर हम रजिस्टर मांगते रहेंगे, नहीं, जब वो तुम डायरेक्टर थे तब का रजिस्टर तुम मांग सकते हो। एटलीस्ट
8 फिनेंशियल ईयर के लिए रजिस्टर को रखेंगे एंड अगर डिस्ट्रॉय भी करना होगा तो बोर्ड का अप्रूवल लेंगे, ऐसे नहीं कि जब मन के डिस्ट्रॉय कर दें। सीएस के हाथ में रहता है, कस्टडी में रहता है, हो गया ना ये सब, रजिस्टर्ड ऑफिस बता दिए, अप्रोप्रिएट हो गया, ये सब तो हो ही गया। चेयरमैन, बेसिकली चेयरमैन होता कौन है, चेयरमैन जो बोर्ड का चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड वही मीटिंग को चेयर करता है। इसमें कुछ खास बताने का चीज़ नहीं है, जो हमने एक्ट में पढ़ा था वही चीज़ सेम सेम यहाँ पे, कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोग चेयरमैन को स्किप कर रहे हैं। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन, जो एक्ट के अंदर पढ़ा है ना, बिल्कुल वही है, सेम, कुछ चेंज नहीं है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन को पास करना है। सबसे पहले तो ये रेजोल्यूशन कौन बुला सकता है, अथॉरिटी कौन है, किसके पास पावर है कि रेजोल्यूशन पास करवा सकता है, तो चेयरमैन हो सकता है, चेयरमैन नहीं है तो भैया मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी डायरेक्टर एक्सेप्ट इंटरेस्टेड डायरेक्टर। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो क्या मीटिंग बुलाएगा भाई, उसको हटा दो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं, एनी डायरेक्टर एक्सेप्ट इंटरेस्टेड डायरेक्टर, वन वो लोग बुलाने का हक रखते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये मैटर को पास कर दो रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन से। मतलब इसमें होता क्या है, सभी डायरेक्टर अपने अपने घर पे रहेंगे, एक ड्राफ्ट का बनाएंगे, ठीक है, इसमें हम रेजोल्यूशन प्रपोज रेजोल्यूशन लिखेंगे, ये हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग ये वाला काम करना चाहते हैं, ठीक है, लिख के उस ड्राफ्ट को बंद करेंगे, हर एक डायरेक्टर के पास भेज देंगे, डायरेक्टर लोग देखेगा, पढ़ेगा, मैटर ठीक है, पास होना चाहिए, वो लोग अपना एसेंट दे देगा, हाँ होना चाहिए, कोई डायरेक्टर बोलेगा नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो वो लोग नो लिख देगा, अपना ओके वोट दे देगा, एंड वोट देने के बाद उसको देखा जाएगा, अगर वो पास होता है बाई मेजॉरिटी तो उसको मान लिया जाएगा कि ये मीटिंग में पास हो गया, वैलिड है, ठीक है, ये पास हो गया, अगर पास नहीं होता है तो माना जाएगा कि पास नहीं हुआ। ओके, यही होता है रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन, मतलब आप घर में बैठे बैठे वोटिंग कर दोगे, घर में बैठे बैठे बोर्ड मीटिंग हो जाएगा। ओके, इसी चीज़ को यहाँ देख रहे हैं, तो अथॉरिटी कौन है, चेयरमैन बुला सकते हैं, एमडी बुला सकते हैं, या फिर कोई भी डायरेक्टर बुला सकते हैं, भैया कौन नहीं बुला सकता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं कर सकता है रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन। ओके, फिर बोला गया है 1/3 ऑफ द डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ का, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर अगर चाह दे कि नहीं ये मीटिंग तो बोर्ड में डिसाइड होना चाहिए, बहुत सीरियस मैटर है, हमको बहुत कुछ बात करना है, बहुत कुछ डिस्कस करना है, ऐसा कैसे होगा, हम ऐसे बताएंगे ही नहीं, तो अगर ऐसा वो चाहते हैं 1/3 लोग अगर इंटेंशन दे दे कि नहीं भाई ये मैटर तो बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होगा, तो फिर ये चीज़ पास नहीं होगा, तब ये जाएगा भैया बोर्ड मीटिंग में, वहीं रुक जाएगा, बोर्ड मीटिंग होगा तब डिस्कस होगा। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, एक ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे एंड ड्राफ्ट को सबके पास सर्कुलेट कर देंगे, जो भी ज़रूरी नेसेसरी पेपर है उसके साथ सेंड कर देंगे टू ऑल डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर के पास भेज देंगे। अब भेजेंगे कैसे, हैंड डिलीवरी हो सकता है, स्पीड पोस्ट हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है, कुरियर अलाउड है यहाँ पे, ये देखो कुरियर अलाउ है, नोटिस वाले में कुरियर अलाउ नहीं था, लेकिन हम लोग सर्कुलेशन को अलाउ कर दे रहे हैं यहाँ पे, ईमेल से दे सकते हैं या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इस तरीके से हम लोग अलाउ मतलब अपना एजेंडा को भेज सकते हैं। अप्रूवल कैसे होगा, अप्रूवल होगा बाई मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड कब करेंगे, कमिंग बोर्ड मीटिंग में, इस बोर्ड मीटिंग में, तो अच्छा इसका मिनट कैसे बनेगा, सवाल ये उठता है, मिनट बनना तो चाहिए ना, मिनट कैसे बनाएंगे इसमें, ये तो मीटिंग रेजोल्यूशन ऐसे चल रहा है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे नहीं, हम लोग जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करेंगे उसमें बोलेंगे कि पिछली बार का रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन से ये मैटर पास हुआ था, उसी मीटिंग में मतलब जो नेक्स्ट मीटिंग है उसी मीटिंग में बैठ के बात होगा कि कौन कौन सा एसेंट दिया था, कौन कौन सा डिसेंटेड था, एसेंटेड वाले का कमेंट लिख लेंगे, डिसेंटेड वाले का कमेंट लिख लेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा सब कुछ नेक्स्ट मीटिंग के अंदर कर लेंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट मीटिंग में होगा। वैलिडिटी, बिल्कुल वैलिड है भैया, ड्यूली कन्वेंटेड, अगर ये अच्छे से मीटिंग कन्वेंट हो गया तो भैया एकदम वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मिनट, मिनट क्या होता है भाई, मिनट का मतलब होता है जो भी मीटिंग के अंदर ना फटाफट लिखना पड़ता है, मीटिंग के अंदर जो मीटिंग के अंदर काम हुआ है, मीटिंग के अंदर प्रोसीडिंग हुआ है, क्या क्या टॉपिक मीटिंग के अंदर चला है, कैसे मीटिंग स्टार्ट हुआ, मीटिंग के एंड होने तक का जो जो काम है सब कुछ मिनट में लिखा जाता है। तो भैया मिनट में होगा क्या क्या, मिनट्स आर रिकॉर्ड इन बुक्स मेंटेन फॉर द पर्पस डिफरेंट, एक मिनट ऊपर वाला मार्किंग किए थे, शैल सेंड इन ड्राफ्ट टुगेदर विद नेसेसरी पेपर, हो गया और कुछ नहीं था ना, बस काम का नहीं है सब। मेंटेनेंस ऑफ मिनट,
मिनट को मेंटेन कैसे मिनट को मेंटेन करें कैसे करेंगे। एक तो अलग, पहले तो बोर्ड मीटिंग का अलग मिनट होगा, कमिटी मीटिंग का अलग मिनट होगा, सबका अलग अलग मोटा मोटा किताब बनेगा, ठीक है, अलग अलग मिनट बनाएंगे। दूसरी बात, ये जो दोनों अलग अलग बना रहा है, ये फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। किसी का मन किया भैया हम ऑनलाइन रखेंगे, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, द पेज ऑफ मिनट वुड शैल बी, सब भी मिनट मिनट का जितना भी पेज होगा ना, सब पे नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक पेज बीच का फाड़ लिए तो हो गया ना झमेला, तो ये चीज ना हो सके, इसलिए हर एक पेज पे नंबर होना चाहिए। मिनट बुक इफ मेंटेन इन लूजली फॉर्म, अगर मिनट को लूजली फॉर्म मतलब एक पेज के फॉर्म में, अलग अलग इस मीटिंग का ये पेज है, दो तीन पेज बन गया या फिर जितना भी बन गया, लूजली फॉर्म में अगर रखते हैं तो उसको बांधना पड़ता है। कब बाइंडिंग करेंगे, एक्ट कुछ नहीं बोलता है, एसएस भी कुछ नहीं बोलता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब बांधना चाहता है कंपनी। तो अगर जब भी कंपनी को लगे, पीरियोडिकली बांध सकता है, जब भी कंपनी को लगे कि भाई साइज ज़्यादा हो गया, बहुत मोटा हो गया, बांध देना चाहिए, एक बाइंड कर देना चाहिए, तो वो बाइंड कर सकता है, चाहे इस साल का करे, चाहे दो तीन साल का एक बार में कर ले, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बोला गया। एसएस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रहा है, ओके, हम यहाँ का बात कर रहे हैं अभी, ओके, सिर्फ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पढ़ना है। मिनट बुक शैल बी केप्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, और जहां भी बोर्ड को लगे, जहां भी बोर्ड चाहे वहां पे रख सकती है। जनरल कंटेंट इन मिनट, मिनट के अंदर जनरली क्या क्या चीज़ रहेंगे, बेसिकली पहले तो एक सीरियल नंबर होगा, यहाँ से नहीं बता रहा, मेरे पास जो रिटर्न है वो उससे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ओके। बिगनिंग सीरियल नंबर, टाइप ऑफ मीटिंग, किस टाइप का मीटिंग है, नेम ऑफ कंपनी क्या है, डे लिखा रहेगा, डेट यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, डे क्या है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, देखो सब है यहाँ पे, ओके। नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट, कितने कितने डायरेक्टर प्रेजेंट हुए हैं, कंटेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट मेड इन द मीटिंग, मतलब मीटिंग में कितने सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे लिखे होने चाहिए। स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेशल वाले बोल सकते हैं क्या क्या होना चाहिए। डायरेक्टर प्रेजेंट, जो डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट है उनका भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भैया ये लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट थे, अगर उनका अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक होता है तो, ठीक है। डायरेक्टर प्रेजेंट एंड देयर मोड ऑफ अटेंडेंस इफ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ओके। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ डायरेक्टर, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो भैया कहाँ से बात करो, इंडिया, दिल्ली, पंजाब, श्रीलंका, भुवनेश्वर, कहाँ से बात करो, तो लोकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसका लोकेशन, नेम ऑफ सीएस, सीएस का कौन है उस मीटिंग में, और दूसरा इनवाइटीज, कभी कभी ना एक्सपर्ट को बुलाते हैं मीटिंग के अंदर, तो अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट आया है तो उसका भी नाम होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और क्या है, अगर चेयरमैन को चूज कर रहे हैं तो वो भी लिखा होना चाहिए अलग से, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन, एक और वर्ड आता है रेटिफिकेशन ऑफ अटी, बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, उतना सारा काम का नहीं है, मैं कुछ हाई फाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही बता रहा हूँ, सिर्फ अभी इस पर्टिकुलर में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी सब मैं तो पूरा ही बताया है। एक और वीडियो अपलोडेड है, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा SS1 फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, SS1 का जो ओरिजिनल एक्ट है ना, जो ओरिजिनल पेज है ना, उससे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे कुछ भी नहीं छूटेगा, नॉट अ सिंगल पॉइंट, सब कुछ कवर किया हुआ है वहां पे, ओके। यहाँ पे एक दो पॉइंट कम किया हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही वाला एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके कर रहा है, रेटिफिकेशन करवाते हैं ना, अगर वो है तो वो भी यहाँ पे होना चाहिए। टाइम ऑफ कमेंसमेंट वगैरह होगा, कब मीटिंग स्टार्ट हुआ, कब मीटिंग खत्म हुआ, कोरम था कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट के बारे में बात करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट के बारे में बात करते हैं। मिनट्स आल कंटेन अ फेयर करेक्ट समरी, एकदम करेक्ट, साफ सुथरा, सही से समरी होना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज होना चाहिए, बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन ऑफ बोर्ड इज बेस्ड ऑन अनसाइंड डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी
ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भी एजेंडा में नोटिस के साथ एनेक्स करके नहीं भेजे थे हम लोग, तो क्या करेंगे, वो चीज़ को ऑथोराइज ऑथेंटिकेट कौन करेगा, सीएस या फिर चेयरमैन के पास पावर है वो लोग करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स के अंदर सिर्फ यही था, आओ दिखाते हैं। करेक्ट समरी होना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज में होना चाहिए, अनसाइन डॉक्यूमेंट वगैरह है तो वो कहाँ जाएंगे, हाँ यहाँ मिल गया, हो गया। और खर्च खास काम का नहीं है, फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट विद इन 15 डेज, जिस दिन मीटिंग हुआ है उस दिन से 15 दिन के अंदर उसको उस मीटिंग को ड्राफ्ट कर देना होगा एंड सभी डायरेक्टर्स के पास भेज देना होगा। अब एक चीज़, जो डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं थे मीटिंग में, क्या उनको भी देंगे? हाँ, सबको देंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, स्मॉल शेयरहोल्डर हो, या फिर कोई भी डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, जो भी डायरेक्टर है भैया, हर एक डायरेक्टर को जाएगा। अगर अल्टरनेट डायरेक्टर है तो दोनों डायरेक्टर को, जो मेन और जो अल्टरनेटिव है, इन दोनों के पास जाएगा। तो ये चीज़ सभी के पास जाएगा, चाहे कोई भी डायरेक्टर हो, डायरेक्टर है मतलब मिलेगा, उसको मिलना चाहिए, उसका हक बनता है भैया ये वाला लेने का। तो फाइनलाइजेशन मतलब 15 दिन के अंदर, और इसको हम लोग भेजेंगे कैसे कैसे भाई, सारा मोड दे दिया गया है यहाँ पे देखो। सर्कुलेटेड बाई हैंड हो सकता है, स्पीड पोस्ट अलाउ है, रजिस्टर्ड पोस्ट अलाउ है, कुरियर भी अलाउ है, ईमेल भी अलाउ है, ठीक है। कुरियर वर्ड अलाउ नोटिस में नहीं था। मिनट बुक में एंट्री कब करेंगे भाई? 30 दिन के अंदर एंट्री कर देना है मिनट बुक के अंदर, विद इन 30 डेज, ठीक है। फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, द डेट ऑफ एंट्री ऑफ द मिनट इन द मिनट बुक शैल बी रिकॉर्डेड बाई कंपनी सेक्रेटरी। एक बार मिनट एंटर हो गया मिनट बुक के अंदर, फिर भैया उसको कोई अल्टर नहीं कर सकते। अगर अल्टर करना है तो अलग रेजोल्यूशन पास करना होगा एंड फिर जाके वो अल्टर होना संभव होगा। साइनिंग के बारे में बात करते हैं, तो साइनिंग का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताया गया है फॉर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का कहीं कोई डेट नहीं बोला गया कि इतने टाइम के अंदर साइन हो जाना चाहिए, ठीक है। और साइन करेगा कौन? चेयरमैन करेगा, उस मीटिंग का चेयरमैन करेगा, या फिर कमिंग नेक्स्ट जो मीटिंग आने वाला है उसका चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, अगला मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो साइन करेगा। तो साइन कौन कर रहा है, कमिंग चेयरमैन या फिर वही चेयरमैन, नेक्स्ट कमिंग चेयरमैन मतलब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाला चेयरमैन। हर पेज, ईच पेज ऑफ द मिनट साइंड द लास्ट पेज एंड अपेंड टू सच साइन, मतलब हर एक पेज पे साइन होना चाहिए, लास्ट में बेचारे का नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, किस जगह पे वो साइन किया है वो भी होना चाहिए, ओके। एंड ऑल्टर वगैरह का अलाउड नहीं होना चाहिए वंस इट इज सेव्ड, हो गया। इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहा है, मिनट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, ऑफ द बोर्ड एंड द कमिटी देयर ऑफ कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर। मिनट बुक सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। अब यहाँ पे भी सवाल आता है कि एक डायरेक्टर था जिस टेन्योर में डायरेक्टर था, उस टेन्योर का तो इंस्पेक्ट कर सकता है, अपने टेन्योर का वो मिनट एक्सपेक्ट कर सकता है आफ्टर डायरेक्टरशिप, डायरेक्टरशिप रेजिग्नेशन के बाद भी। ये नहीं है कि बेचारा बाद में रिजाइन कर दिया तो अब उसको मिनट ही नहीं देखने मिलेगा, उस वक्त का दे सकता है जिस वक्त वो था मीटिंग में बोर्ड में। एस्ट्रैक्ट ऑफ द मिनट शैल बी गिवन ओनली आफ्टर द मिनट हैज बीन एंटर्ड इन द मिनट बुक। एक बार मिनट बुक में मिनट एंटर हो गया उसके बाद ही उसका एक्सट्रैक्ट मिलना परमिशन होगा। हाँ, लेकिन एक चीज और बोला गया है कि अगर तुम चाहो तो सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं हम लोग। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग इशूड अर्लियर, पहले भी दिया जा सकता है सर्टिफाइड कॉपी। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट, मिनट को कितने साल तक रखना होगा? परमानेंटली रखना होगा, 8 साल 8 साल हर जगह मत कर देना, परमानेंटली रखना होगा, ठीक है। एंड इसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था वो जब तक अच्छे मैनर में हो तब तक, और 8 ईयर विच एवर इज हायर, ठीक है, 8 ईयर, 8 फिनेंस ईयर विच एवर इज लेटर, जो भी देर तक खत्म होता है। 8 साल के बाद ही कम से कम आपको उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, वो भी डिस्ट्रॉय करने से पहले अप्रूवल लेंगे बोर्ड, कैसे नहीं कि सेक्रेटरी है तो खुद से उड़ा दिए, सर मन नहीं किया, अच्छा नहीं लगा तो उड़ा दिए। डिस्क्लोजर काम का नहीं है, हटा दो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हम लोग जानते हैं सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट अलाउ कर देता है। रूल 3 आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी फेमस रूल है। ऑडियो विजुअल मील मोड के थ्रू अलाउ कर दिया गया है एंड जो भी इस मोड से पार्टिसिपेट करता है उसको कोरम के रूप में काउंट किया जाता है, हिज काउंटेड एज अ कोरम, ओके। जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या बोलेगा, वो अपना नाम बताएगा वीडियो में, लोकेशन बोलेगा हम यहाँ से लोकेशन करें, एजेंडा वगैरह हमको सब कुछ मिला है, ठीक है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ दे देगा।
कुछ चीजें बोर्ड मीटिंग में डिस्कस नहीं हो सकती, वीडियो ऑडियो विजुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कस नहीं हो सकती, दैट इज एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्टस एंड कमिटी मीटिंग का अगर अकाउंट्स वगैरह कंसिडरेशन कर रही है तो वो, एंड अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेकओवर, इस चीज़ को हम लोग बोर्ड मीटिंग में डिस्कस नहीं करेंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेप्ट प्रोवाइडेड, वर्ड ऐड हो गया है, मतलब अगर प्रेजेंट मतलब बोर्ड मीटिंग में जो प्रेजेंट पीपल होंगे, लोग होंगे, वो अगर कोरम कर देते हैं, मतलब एक मीटिंग में 10 टोटल 20 डायरेक्ट, 20 नहीं रखते हैं, 10 रखते हैं, 15 मैक्सिमम होता है ना, 15 डायरेक्टर हैं एक कंपनी के अंदर, 15 में से 10 जन मीटिंग में प्रेजेंट बैठे हुए हैं, ओके 15 छोड़ो 12 जन मीटिंग में प्रेजेंट बैठे हुए हैं, अच्छा लगा, 12 में से 12 के बाद 2 जन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये जो 2 जन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बैठे हुए हैं, इन दोनों जन के बैठे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी जो कोरम है, फिजिकल प्रेजेंट जो लोग हैं, वो लोग कंपनी में बैठे हुए हैं, तो हम लोग आफ्टर दिस, इसके बावजूद हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट नहीं डाला है, ये मेरा गड़बड़ी नहीं है, इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट लिखना भूल गया है, पहला पेज में लिखा था कोई भी एरर वगैरह के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट अपना काम दिखा दिया यहाँ पे, क्लियर। तो ये तो होता है हमारा SS1 पूरा, ओके। आइए एक बार छोटा सा फटाफट रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। सबसे पहले देखा था मीटिंग को कैसे कन्वीन करना है, कैसे उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन बुला सकता है मीटिंग, ये देखे थे, डेट टाइम प्लेस देखा था हमने, कब मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग को कब कब बुला सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, नोटिस के बारे में डिस्कस किया था, 7 डेज का नोटिस चाहिए होता है भैया, सीरियल नंबर लिखा होता है, हमको सब याद आ रहा है, सीरियल नंबर होता है उसके अंदर, फिर एजेंडा के बारे में बात किया था, नोटिस के साथ जाता है, मतलब 7 दिन पहले वो भी जाता है, शॉर्टर नोटिस भी होती है, कुछ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रेटिफिकेशन चाहिए होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ओके समझ गया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा एंड 120 डेज का गैप मैक्सिमम होना चाहिए, एंड इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था 30 डेज के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग कन्वेंट कर देना है हमको। कमेटी के लिए भी हमने डिस्कस किया था कि कोई ऐसा मिनिमम नंबर फिक्स नहीं किया गया है, बट अगर फिक्स कर देता है बोर्ड तो भैया वो मानना पड़ेगा, और मीटिंग कमेटी जब चाहे वो मिल सकती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो इस साल में एक बार मिलना ही था। कोरम के बारे में बात करें तो जनरल प्रोविजन कोरम में क्या क्या हम लोग ये देखे थे, कोरम कब कब होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, उसको भी हम लोग कोरम के तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये सब भी हमने कोरम में डिस्कस किया था। और मीटिंग ऑफ बोर्ड में हमने बात किया था 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर हमेशा कोरम फॉर्म करते हैं और 2 व्हिचएवर इज हायर। अगर कभी, ये एक छोटा सा पॉइंट भूल गया था, अगर कोई कभी भी क्या होता है, मीटिंग के 10 डायरेक्टर थे, ठीक है, 10 डायरेक्टर में से क्या हुआ, जो मिनिमम नंबर बोला गया था हमारे एक्ट के अंदर, मतलब आर्टिकल के अंदर, कि हमको कम से कम 60 डायरेक्टर होंगे तभी कोरम होगा, 60 डायरेक्टर हो ही नहीं पा रहे, क्यों भाई, क्योंकि 3 जन 4 जन नहीं आ रहा है अब, ठीक है, मतलब वो लोग रिजाइन कर दिए, जो भी हो गया, तो इस चीज़ में क्या होगा, सबसे पहले एक जनरल मीटिंग कन्वेंट करना होगा, एंड जनरल मीटिंग में बोलना होगा कि अब हम लोग अपना कोरम का जो फ्लक्चुएशन है वो हम लोग कम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर का प्रॉब्लम हो रहा है, मीटिंग कन्वेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक सेपरेट जनरल मीटिंग आपको कन्वेंट करना पड़ेगा। मीटिंग ऑफ कमिटी के बारे में भी डिस्कस हुआ था हमारा, अटेंडेंस ऑफ मीटिंग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था मैंने, 8 ईयर तक रखना होता है मैंडेटरी। चेयरमैन के बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वही चीज़ है जो चीज़ हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो जनरल मीटिंग के अंदर लिखा है, कहीं ना कहीं सब कुछ सेम है चेयरमैन, तो उसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने लायक था नहीं। पासिंग अ रेजोल्यूशन बाई चेयरमैन बाई सर्कुलेशन, कौन इसको इशू कर सकता है, ये डिस्कस किया था। प्रोसीजर क्या है, अप्रूवल कौन करता है, रिकॉर्डिंग कैसे होता है, वैलिड है कि नहीं, वैलिडिटी चेक किया था। मिनट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मिनट क्या है, फिर जनरल कंटेंट ऑफ मिनट, मिनट के अंदर क्या क्या लिखा रहता है, राइट, स्पेशल कंटेंट्स भी हमने डिस्कस किया है, रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट, मिनट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट के बारे में डिस्कस किया था, एंट्री इन द मिनट बुक, मिनट बुक में एंट्री कब होगा, साइनिंग के बारे में भी डिस्कस हुआ था हमारा, इंस्पेक्शन के बारे में डिस्कस हुआ था कि इंस्पेक्ट कौन करेगा, एंड लास्ट ऑफ ऑन लास्ट मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने डिस्कस करके इस एसएस को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि और कुछ भी इस चैप्टर के अंदर बचता नहीं है, ओके। सो आई होप वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, एंड लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इतनी मेहनत से ये वीडियो अपलोड किया हूँ, कम से कम सबके साथ शेयर कर दो यार,
शेयर करने में क्या जाता है। जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो फटाफट वीडियो को, ओके। एंड सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल को मत छाना। अगर वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। और नहीं आया तो भी सब्सक्राइब कर देना सजेशन देके कि भैया ये चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक कर लीजिए, हम सब्सक्राइब कर देंगे, हम ठीक कर देंगे अगली वीडियो में, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।